नमस्कार, आप देख रहे हैं आरभट न्यूज। खबर मुजफ्फरपुर से है। मुजफ्फरपुर जिले के सदर थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए कई शराब माफियाओं समेत एक स्नैच कारोबारी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पकड़े गए एक आरोपी में से पूर्व वार्ड पार्षद और 5 कारोबारी को गिरफ्तार किया गया है। शराब के साथ सभी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि गुप्त सूचना के आधार पर फकीरा चौक पर कुछ शराब के कारोबारी शराब के साथ खड़े थे और सूचना के आलोक पर त्वरित कार्रवाई करते हुए गश्ती दल को मौके पर भेजा गया। पुलिस को देखते ही शराब कारोबारी भागने लगा, लेकिन पुलिस ने पीछा करते हुए कारोबारी को शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया। कल हमारे पदाधिकारी रघुवीर बाबू गश्ती में थे। संध्या गश्ती में तो गुप्त सूचना मिली कि फकीरिया चौक पे कुछ डिलीवरी बॉय हैं जो शराब की डिलीवरी करते हैं, वो खड़े हैं। 3 लड़के वहाँ खड़े हैं, तुरंत कार्रवाई करने पर उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। हमारे पदाधिकारी बिना विलंब किए वो वहाँ गए तो 3 लड़का मोटरसाइकिल पर थे और ये देखते ही पुलिस को भागने का प्रयास किया तो वहाँ से वो लोग खदेड़ कर बलपूर्वक पकड़ा गया। उनके निशानदेही पर ये कांटी का दीपक कुमार के घर से शराब बरामद हुआ है। दीपक कुमार फिर उससे पूछताछ हुई तो वो बताया कि ये नंदपुरी भगवानपुर का एक उपेंद्र हैं, उनके गिरफ्तार करने के बाद वो बताया कि भगवानपुर सब्जी मंडी में मेरा थी है जो वहाँ हम लोग छापा मारे तो वहाँ से भी शराब की बरामदगी हुई। टोटल 6 लड़के गिरफ्तार हुए हैं जिसमें एक सूरज है, उसके पास से कुछ ये NDPS जैसे चरस जैसा पदार्थ भी मिला है। बड़ा सारा कारोबारी कौन लोग? ये उपेंद्र है, विकास है, यही लोग बड़ा कारोबारी है। ये लोग बाहर से शराब मंगाता है और 3 लड़के हैं जो फकीरा चौक को गिरफ्तार हमने किया वो मोटरसाइकिल से उसकी डिलीवरी करते हैं। आगे कार्रवाई इनसे पूछताछ हुई है, कुछ और क्लू मिले हैं उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। इन लोग तुरंत जेल जाएंगे।